इधर कई को आए बोलते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 और 3 तारीख को हैदराबाद में हो रही है। उससे पहले देश के सभी प्रमुख नेताओं को जो हमारी 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर जानकारी के लिए टूर करने के लिए भेजा है। तो आने वाले समय में यहाँ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए उसके लिए हम तैयार हैं। और ये मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ये जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है जिनके कारण से आज लोगों में दिक्कत हो रही है, लोगों में एक ऐसा माहौल बना है, एक रोष का माहौल बना है। यहाँ के जो स्थानीय MLA हैं दुर्गम चनैया, पहले भी रियल एस्टेट का काम करते थे और आज भी सरकार के माध्यम से उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस प्रकार का एक जो देश में मिशन चल रहा है। तो हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि सरकारी स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। यहाँ का कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता है और हमें विश्वास है कि हम आने वाले समय में जो 60+ का लक्ष्य लेकर के इसमें जीतेंगे और यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के वेलमपल्ली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके घर में सभी ने नाश्ता किया, चाय पी। तो इसी तरह से 2 दिन का जो कार्यक्रम रहेगा वो कार्यकर्ताओं से मिलने का, सभी जो हमारे मोर्चाज हैं उनसे मीटिंग करने का, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टूर करने का। तो एक मनोबल कार्यकर्ताओं का ऊंचा है और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ।